हाय फ्रेंड्स सो आज का क्वेश्चन पूछा है गौरी ने वेदर नॉर्दर्न अलायंस विल टेक तालिबान सो हम जानने की कोशिश करते हैं नॉर्दर्न अलायंस है क्या सो नॉर्दर्न अलायंस एक पंजशिर वैली में ऐसी कम्युनिटी है एक ऐसी आर्म कम्युनिटी है बिच इज़ लेड बाय अहमद मसूद एंड राइट नोट इज़ ऑल्सो लेड बाय अमर साले जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं अफगानिस्तान के सो बेसिकली पंजशिर वैली इज़ वेल प्रोटेक्टेड वो माउंटेन से घिरा हुआ रीजन है इसके वजह से इस पर कभी भी कोई अटैक नहीं हुआ है सोवेट्स so, ने ट्राई किया था तालिबान ने ट्राई किया था लेकिन सक्सेसफुल कोई भी नहीं हुआ है अब तक सो so, अटैक करना बहुत मुश्किल है ये फोर्टिफिकेशन जो नेचुरल रेजिस्टेंस मिलता है ये नॉर्दर्न अलायंस कम्युनिटी को उसके वजह से वो अटैक करना बहुत ही लाइक हार्ड हो जाता है सबके लिए करंटली ये एरिया तालिबान घेर चुका है एंड उनका फूड का सप्लाई उनका एमिनेशन का सप्लाई उनका जो कुछ भी डेली नीड्स है उसका सप्लाई जो है वो बंद कट ऑफ हो चुका है उसके वजह से क्या है कि अभी पंजशीर वैली तो प्रोटेक्टेड है अभी भी अगर तालिबान अटैक करता है उसके ऊपर तो भी वो जीत नहीं पाएगा क्योंकि उनका एरिया ही ऐसा प्रोटेक्टेड है और वो लोग भी बहुत विल पावर वो सब चीज़ है तो उसके वजह से ये तो नहीं होने वाला क्योंकि पहले भी नहीं ट्राई किया था अभी भी ये लोग ट्राई कर रहे हैं बट नहीं हो पाएगा ये सो अहमद मसूद ने बोला था बाइडन गवर्नमेंट को भी और एक्सटर्नल अलाइज को भी कि हमें मदद की जरूरत है अगर हमें मदद मिलती है तो हम पूरा अफगानिस्तान पे कैप्चर कर पाएंगे बट अभी करंट स्टेट में कोई भी मदद की लाइक कंफर्मेशन like, कहीं से भी आया नहीं है अभी बाइडन गवर्नमेंट ने तो सीधा ओके टाटा बाय बाय कर दिया है उनका बैकग्राउंड का एयरबेस था उनका काबुल था कंधार था ये एयरबेसेज भी उन्होंने ऐसे ऐसे छोड़ दिया है इक्विपमेंट के साथ सो उनसे तो ना हो पाएगा और अगर कोई एक्सटर्नल अलाइज है तो वो भी अभी तक उनसे कुछ कन्फर्मेशन नहीं आया है तो अभी के स्टेट में नॉर्दर्न अलायंस तालिबान को कैप्चर नहीं कर सकती क्योंकि उनको पहले तो उनका पूरा जो सप्लाई लाइन है वो कट ऑफ हो गया है दूसरी चीज़ उनको एक्सटर्नल सपोर्ट या फिर एक्सटर्नल हेल्प नहीं मिल रहा जब तक एक्सटर्नल हेल्प नहीं मिलता है तब तक ये कर पाना लाइक इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल बट हाँ एक चीज़ हो सकती है कि पंजशीर में वो तो वेल well प्रोटेक्टेड रहेंगे उसका कुछ मतलब उसमें कुछ दो राय नहीं है वो प्रॉपरली प्रोटेक्टेड रहेंगे पंजशीर में बट हाँ आगे जाके अगर उनको अटैक करना होगा काबुल पे कन्दार पे या फिर कोई भी एक अफगान अफगान टेरिटरी उनको हासिल करनी होगी तो उनको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो दैट्स इट्स फॉर टुडे एंड मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू साइनिंग ऑफ सो इफ यू वांट एनी मोर न्यू वीडियोस प्लीज़ डू कमेंट इन दिस वीडियो इटसेल्फ और ये वीडियो आपके लिए पेश हो जाएगा या